नगरी निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला जी। संजय जी, सुबह ही आप आए थे, पुलिस से आपकी झड़प हुई थी, क्या था पूरा मामला? पुलिस प्रशासन द्वारा रघुवंशी है, उन्होंने रोक दिया, बोला आपके अंदर एंट्री नहीं, आप जा नहीं सकते अंदर, उन आपके कार्यकर्ता जाएंगे। जब हमने हंगामा किया, जब कहीं जाके हमारे इंटरव्यू, मतलब उनकी मंशा साफ साफ दिख रही पुलिस वालों की कि हमारे एजेंट और हम लोग अंदर नहीं, जिस मेरे सर कैंडिडेट को खुद को रोक दिया उन्होंने, तो बाकी लोगों को क्या स्थिति हो रही है आप खुद जान सकते हैं। ये चाहते ही नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी जीते, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है अंदर अंदर काउंटी के रूम में। शहर अध्यक्ष रणदीप जी घूम रहे हैं और मुद्दोपति वर्मा शहर घूम रहे हैं, ये देख लीजिए कितना खुला है, आतंक मचा रखा है यहाँ पर, और हम लोगों को एक जाली के अंदर बंद किया जा रहा है। इससे साहब माहिर है, तो वैसे करना है तो हम हमारा एजेंट को बाहर निकाल ले, चुनाव जीतना ही है तो ऐसे चुनाव जीत ले। जनता ने हमको वोट दिया, परंतु ये उसके खिलाफ काम करने जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, ये खुद चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंदर आप जाके देखिए, शहर अध्यक्ष और मधुकर वर्मा अंदर घूम रहे हैं। अगर बात की जाए तो मतगणना जारी है, क्या आपको लगातार आप जीत का दावा कर रहे हैं, कितने मतों से जीतेंगे, जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है? अब जनता का आशीर्वाद जो है वो पूरा पूरा है कि मैं परिवार का, उनके परिवार का बेटा हूँ, बेटे को भी अधूरा आशीर्वाद नहीं मिला, लाखों वोटर जीतूंगा। निश्चित रूप से यह थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला। उनका साफ कहना है कि जो है पुलिस के अधिकारी हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के शहर अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता अंदर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन बंटी राठौड़ के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर।